हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, हमारे पास सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। सेट ए दिया गया है 1 2 3 4 5, और सेट बी दिया गया है 2 3 5 7, सी दिया है 4 5 6 7। हमसे वैल्यू पूछी गई है ए डैस, बी डैस और सी डैस। तो यहाँ से हम लोग ए डैस निकालेंगे। ए डैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू माइनस ए जब करेंगे, यानी यू में से हम ए के टर्म एलिमेंट हटा देंगे, 1 2 3 4 5 हटा देंगे। जो यहाँ से बचेंगे, यानी कि 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 आएगा। उसके बाद ए डैस के बाद बी डैस, बी डैस क्या आ जाएगा, यू माइनस बी। तो यहाँ से यू में से हम बी के एलिमेंट हटा देंगे, 2 3 5 7 हटा देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 4 6 8 9 एंड 10। उसके बाद सी डैश, सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू माइनस सी। यानी कि यू में से सी के एलिमेंट हटा देंगे, 4 5 6 7 हटा देंगे। तो आएंगे 1 2 3 8 9 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, सेट बी है 3 4 एंड सी है 4 5 6। हमसे पूछा गया ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या होगा, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट कंबाइन करके लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 3 4 और 4 5 6, तो 4 हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, सीधा लिख लेंगे 3 4 5 6। ये आ गया बी यूनियन सी। अब हमसे पूछा गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन में अगर एलिमेंट देखा जाए 1 2 3, और बी यूनियन सी में देखा जाए 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0, और बी इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स क्यू माइनस 3x² + 2x इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया ए यूनियन बी कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमें सेट ए है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर वैल्यू हमें निकालनी है x² - 3x + 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके फैक्टर इस तरीके से करेंगे x² - 2x - x + 2 = 0। यहाँ से x कामन लेंगे, यहाँ से आएगा x - 2, यहाँ से -1 कामन लेंगे, यहाँ से आएगा x - 2 = 0। यहाँ से वैल्यू आएगी x - 2 और x - 1 = 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से 1, 2। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास सेट है बी, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ए जो आएगा वो सेट आएगा 1, 2, और बी को सॉल्व करेंगे, यानी कि x³ - 3x² + 2x = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x² - 3x + 2 = 0। अभी हम लोगों ने हल किया x² - 3x + 2, इसको भी हमने और सॉल्व किया है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा x, x की ये वैल्यू आएगी x, इसके फैक्टर आएंगे x - 1 और x - 2 = 0। तो x की तीन वैल्यू आ जाएंगी 0, 1, 2। तो यहाँ से सेट b जो आएगा वो आएगा 0, 1, 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए यूनियन
यूनियन बी क्या आएगा, 1 और 2 0 1 2, तो इंक्लूड करेंगे 0 को, 0, 1, 2। यूनियन में क्या होता है, सभी एलिमेंट ऐड कर दिए जाते हैं, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।